no फ्रेंड्स हाउ आर यू। हमने 10th क्लास, दिस इज अ क्लास 10th सीबीएसई एंड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 में हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था हमारे पिछले वीडियो में। एक्चुअली माय मिस्टेक, मैंने उसका उल्टा फिगर बना दिया था उसमें, और वो कैसा था, क्वेश्चन सही था, बस आपको कितना करना था उसमें, सिर्फ सरफेस एरिया जो था वो इस टाइप से करना था आपको, है ना। कैसे करना था, पूरा प्रोसेस सेम वही है, बट आपको सिर्फ इतना करना था। मैंने बाद में ध्यान दिया कि अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, सिर्फ ये जो था ये आपने इनसाइड लिया है, इनसाइड ना लेते हुए इसको अपसाइड करना, क्लियर अंडरस्टूड। और बाकी सब सेम क्वेश्चन रही, आंसर सेम है, सब सही है, बट मैंने उसको क्या कर्व सरफेस एरिया हमको दोनों कंडीशन में, डिप्रेशन कंडीशन में भी वही करना था, और उसके टॉप के ऊपर अगर हेमिस्फीयर है तो उस कंडीशन में भी वही करना था, ठीक है। इसलिए उसको आप इस टाइप से बना के समझ लें, ठीक है, ओके सॉरी। सो नाउ विल टेक एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन 4 एंड 5, दैट इज सेम क्वेश्चन, क्लियर। सो नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट इट्स डायमीटर एल। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्यूबिकल वुडन, सो दिस इज, हमने ये बना दिया, देखो क्यूबिकल वुडन, ये इस टाइप से हमारा फिगर बना दिया, ये है ना। इससे पहले वाले में हमने एक्चुअली क्या दिमाग में यही रह के ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको इस टाइप से कर दिया, वो भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो क्यूबिकल वुडन में से हमारा क्या हुआ, इसका साइड उसने बोला एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, मतलब क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती है, देन सो बट उसने जो हेमिस्फीयर डिप्रेशन कराया है, मतलब दिस इज डायमीटर, वो कितना है एल है, तो दिस इज डायमीटर, बट आर इक्वल टू, दिस इज आर इक्वल टू कितना होगा, एल अपॉन टू, सो आर इक्वल टू एल अपॉन टू, एंड फिर क्या हुआ, इसको हमने अंदर एक हेमिस्फीयर को अंदर कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है कि ये जो लगा हुआ है, अब देखें अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इसका हमें क्या टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। उसने क्या बोला है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमें मालूम है, सीधी सी बात है, हम डायरेक्ट नाउ विल राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्यूब शेप में ये, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6L square, राइट, 6L square माइनस, उसमें से हमने क्या कर दिया, अब पूरे 6 फेस में से इसका एरिया माइनस कर दिया, तो इसका एरिया क्या है, पाई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया, अभी हमारे पास आर कितना है, एल अपॉन टू, एंड प्लस प्लस क्या है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा, तो कितना हो गया 2πr² क्लियर। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू, सो 6l² क्यूब साइड इक्वल टू, हमारे पास क्यूब की साइड क्या है, यहां लिख सकते हैं इन क्यूब, क्यूब साइड इक्वल टू ईच साइड इक्वल टू, दिस इज l, l राइट, सो पुट हियर 6l² माइनस 2πr² माइनस 1πr², दिस इज अ 1πr² एंड काय का आएगा, प्लस का, क्लियर, देन 6l² प्लस पाई, पाई का वैल्यू पाई रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि पाई इक्वल टू क्या रखना है या क्या नहीं, तो हमने उसको पाई में ही रहने दिया, और दिस इज r, r इक्वल टू l अपॉन 2 का होल स्क्वायर, then 6l square, so we can write 6l square plus
पाई अप इनटू एल स्क्वायर अपॉन फोर, राइट, एल स्क्वायर अपॉन फोर। अगर हम फोर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में एल स्क्वायर है और फोर भी कॉमन ले लेते हैं, अगर मान लो हम ले लेते हैं एल स्क्वायर इज कॉमन लिया और फोर कॉमन लिया, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना बचना चाहिए, सिक्स एल स्क्वायर आना चाहिए कॉमन। अगर हम यहाँ तो ऐसा क्या लिखे, तो दिस इज 64 एल स्क्वायर बाहर आ गया। अगर देखो हम इसको अंदर इंटू करते हैं तो सिक्स एल, फोर सिक्स 24 हो जाएगा, प्लस और क्या बचा, एल स्क्वायर अपॉन फोर बाहर आ गया।